मैं कुछ विशेष प्रश्नों को हल करूंगा जो ज्यादातर गणित प्रतियोगिताओं और कभी-कभी मानक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये सभी प्रश्न देखने में कठिन और चुनौतीपूर्ण लगते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ये सभी प्रश्न वास्तव में उतने कठिन नहीं होते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि अगर ए जमा बी जमा सी बराबर सात है तो 5a + 5b + 5c का मान पता करें। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां हमारे पास एक समीकरण है जिसमें तीन अज्ञात चर मतलब वेरिएबल्स ए बी और सी हैं, तो इस स्थिति में हम ए बी और सी का मान कैसे पता करें? तो मैं बताना चाहता हूं कि यहां 5a + 5b + 5c का मान पता करने के लिए ए बी और सी का मान निकालने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इस 5a + 5b + 5c को 5 गुणा कोष्ठक में a + b + c के बराबर लिखते हैं। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर हम इस 5 को यहां प्रत्येक पद में गुणा करते हैं तो फिर से हमें 5a + 5b + 5c मिलेगा। इसके बारे में सोचने का दूसरा तरीका यह है कि हम यहां से 5 को गुणन खंडन द्वारा बाहर कर सकते हैं। मतलब अगर हम यहां से 5 को गुणन खंडन द्वारा बाहर करते हैं तो हमें 5 गुणा कोष्ठक में a + b + c मिलेगा। चलिए अब इसे सरल करते हैं। इसे सरल करने के लिए ये पहला समीकरण हमें सब जानकारी देता है। यहां हमारे पास a + b + c = 7 है, तो यहां इस a + b + c के बदले में 7 लिख सकते हैं। इसलिए 5 गुणा कोष्ठक में a + b + c को हम 5 गुणा 7 के बराबर लिखते हैं। अब इसे सरल करने पर हमें 35 मिलता है। चलिए एक और उदाहरण हल करते हैं। ये थोड़ा मुश्किल लगेगा लेकिन इसे भी हम उसी तरह हल करेंगे। यहां दिया हुआ है कि a + b + c = -1 है और यहां हमारे पास x + y = 7 है, तो इस लंबे व्यंजक का मान ज्ञात करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में थोड़ी देर सोचें। उम्मीद करता हूं कि आपने ऐसा कर लिया होगा। अब आप कहेंगे कि यहां इस पहले समीकरण में हमारे पास 3 चर हैं और यहां दूसरे समीकरण में 2 चर और हैं, तो इन दोनों समीकरणों में हमारे पास कुल 5 चर हैं। इसलिए ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे हम इन चरों यानी ए बी सी एक्स और वाई का मान व्यक्तिगत रूप से ज्ञात कर सकें। तो मैं बताना चाहूंगा कि हम इसे भी उसी तरह सरल करेंगे जिस तरह हमने पिछले उदाहरण को सरल किया था। अब हम इस समीकरण को पुनः व्यवस्थित करेंगे, मतलब हम एक्स और वाई वाले पदों का वर्गीकरण करेंगे और साथ ही ए बी और सी वाले पदों का भी वर्गीकरण करेंगे। चलिए इसे करते हैं। पहले ए बी और सी वाले पदों को लिखते हैं, तो इस ऋणात्मक 9a को यहां लिखते हैं। अब इस ऋणात्मक 9b को यहां घटा 9b लिखते हैं और इस ऋणात्मक 9c को यहां घटा 9c लिखते हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। चलिए अब x और y वाले पदों को लिखते हैं। अब इस ऋणात्मक 7x को यहां घटा 7x लिखते हैं और इस ऋणात्मक 7y को यहां घटा 7y लिखते हैं। इस तरह मैंने व्यंजक को पुनः व्यवस्थित कर दिया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया है। चलिए अब इन तीनों पदों से ऋणात्मक 9 को गुणन खंडन द्वारा बाहर करते हैं। ऐसा करने पर हमें ऋणात्मक 9 गुणा कोष्ठक में a + b + c मिलता है। अब इन दोनों पदों से 7 को गुणन खंडन द्वारा बाहर करते हैं। ऐसा करने पर हमें घटा 7 गुणा कोष्ठक में x + y मिलता है। अब हम इसे सत्यापित भी कर सकते हैं, मतलब अगर हम इस ऋणात्मक 7 को x + y से गुणा करते हैं तो फिर से हमें ये मिलेगा, और जब हम इस ऋणात्मक 9 को कोष्ठक में a + b + c से गुणा करते हैं तो फिर से हमें ये मिलेगा। अब हम इसे आसानी से सरल कर सकते हैं। चलिए पता करते हैं कि a + b + c का मान क्या होगा। यहां हमारे पास a + b + c = -1 है, तो यहां इन पदों के बदले ऋणात्मक 1 लिखते हैं। अब पता करते हैं कि x + y का मान क्या होगा। मैं इसे दूसरे रंग से लिखता हूं। यहां x + y = 7 है, तो यहां x + y के बदले 7 लिखते हैं। तो अब इनको सरल करने पर हमें ऋणात्मक 9 × -1 घटा 7 × 7 मिलता है। अब हम इसे आसानी से सरल कर सकते हैं, तो यहां ऋणात्मक 9 × -1 = 9 लिखते हैं। अब ये 7 × 7 = 49 होगा,
तो यहां घटा 49 लिखते हैं। तो अब हमारे पास 9 घटा 49 है, जिसे सरल करने पर हमें ऋणात्मक 40 मिलेगा। इस तरह हमने इसे सरल कर लिया है और यही हमारा उत्तर है।